क्या है ये स्पुटनिक वैक्सीन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्पुटनिक वैक्सीन बिल्कुल कोविशील्ड ज्यादा वैक्सीन है। यहां पर भी स्पाइक प्रोटीन का ये जीन लेंगे, उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और डीएनए को वो वायरस के अंदर डालेंगे। वहां पे जो वायरस का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो चिंपेंजी का वायरस था। यहाँ पे ह्यूमन एडिनो वायरस के अंदर में ये स्पाइक जीन को डालेंगे। ह्यूमन का वायरस दो अलग अलग हैं, 5 और 26। वो इसलिए कि पहले 5 वाला डालेंगे, 5 वाला वायरस होगा, फिर 26 वाला होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वायरस की एंटीबॉडीज वैक्सीन ना बनने दें। इसलिए इन्होंने स्मार्टली दो अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए, एक एडिनो वायरस 5 और दूसरा एडिनो वायरस 26। और ये एडिनो वायरस 26 वही है जो जॉनसन एंड जॉनसन का वायरस है, यानी कि जो जॉनसन एंड जॉनसन वाला जो वायरस एडिनो 26 का है उसी से मिलता जुलता स्पुटनिक का वायरस है। ये स्पुटनिक का वही वायरस है जो क्लेम कर रहे हैं दैट दे आर एज गुड एज मॉडर्ना एंड फाइजर। दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि कोविशील्ड के बाद में अगर आप स्पुटनिक लेते हो तो बेटर रिस्पॉन्स आएगा। सो आज नहीं तो कल एक ऑप्शन मिलेगा लोगों को कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर आपको पहला वैक्सीन कोविशील्ड का मिला है तो दूसरा क्या आप स्पुटनिक ले सकते हो। ऐसी सजेशंस हैं, जब तक सरकार अलाउ नहीं करेगी आप ले नहीं सकते, बट वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं।